भारत वाहिनी पार्टी के प्रमुख घनश्याम तिवारी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद राजस्थान की राजनीति से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLD और भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के बीच गठबंधन हो सकता है। चर्चा है कि गठबंधन में भाजपा नागौर और बाड़मेर सीट RLP को दे सकती है। खिमवसर विधायक हनुमान बेनीवाल खुद नागौर से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर भाजपा और RLP के बीच गठबंधन होता है तो केंद्रीय मंत्री CR चौधरी का नागौर से टिकट खतरे में पड़ जाएगा। वहीं कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका होगा। कांग्रेस ने नागौर से ज्योति मिर्घा को टिकट दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बात हुई थी, लेकिन दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से 7 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस RLD को केवल 3 सीटें ही देने को तैयार थी। इसके बाद बेनीवाल ने कांग्रेस की ओर से दिया गया गठबंधन का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। वैसे कभी भाजपा में रहे हनुमान बेनीवाल स्पष्ट कर चुके हैं कि RLD का किसी भी राजनीतिक दल में विलय नहीं होगा। हनुमान बेनीवाल 2008 में भाजपा से, 2013 में निर्दलीय और 2018 में अपनी पार्टी RLP से चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंचे। बेनीवाल ने 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था। वर्ष 2008 में भाजपा के टिकट से खिमवसर से विधायक बनने के बाद वसुंधरा राजे की खिलाफत करने पर बेनीवाल को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले करोड़ी लाल मीना भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय किया था। वर्तमान में वे राज्यसभा सांसद हैं। इस चुनाव में दौसा से उनकी पत्नी गोलमा देवी और उनका भाई जगमोहन मीना टिकट के दावेदार हैं। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल और घनश्याम तिवारी ने विधानसभा चुनाव से पहले हाथ मिलाया था। भाजपा में शामिल होने से पहले किराड़ी लाल मीना भी हनुमान बेनीवाल के साथ रैलियों और सभा में कई बार साथ दिखे हैं।